नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यतेज न्यूज। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में नगर की सुख शांति और समृद्धि के लिए निकाली गई परंपरागत शोभा यात्रा। स्थानीय ददरी घाट से बड़ी संख्या में हाथी घोड़ा रथ और झांकियों और बड़ी संख्या में हाथों में कलश लेकर श्रद्धालु बच्चियों महिलाओं और पुरुषों के साथ सपरिवार लोग हुए शामिल। आयोजकों द्वारा श्रद्धालुओं का कहना था कि हमारे शहर की प्राचीन परंपरा है कि शारदीय नवरात्र की पंचमी को यहाँ स्थानीय गंगा घाट से शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए नगर के प्राचीन शीतला मंदिर नवाबगंज तक लगभग 4 किलोमीटर की कलश यात्रा बड़ी संख्या में हम लोग श्रद्धालु निकालते हैं। आप देख रहे हैं गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। शहर में सुख शांति के लिए कराया जाता है हर साल नवरात्र में पंचमी के दिन, कि शहर में सुख चैन और अमन रहे। ये बहुत पुराने सारे बहुत कई सालों से होता रहा, पुरानी यह परंपरा है कि माता शीतला माता का जब जलाभिषेक कराया जाता है और जम्बा कुआरी कन्याओं को प्रसादी और कुछ जम्बा भेंट कुछ प्रसाद बांटा जाता है बच्चियों को। ददरी घाट छुट्टी है और माँ शीतला को पूरा शहर सोते हुए नवाबगंज शीतला माता के मंदिर में जाकर समापन होगा इसका। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।